मेरे भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त सेशन फिर से। और आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये उस क्लास 12th के शॉर्ट आंसर वाली सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। यानी ऑलरेडी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले और दूसरे लेसन के शॉर्ट आंसर के। ये तीसरे लेसन के शॉर्ट आंसर का वीडियो है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाना है, वीडियो की लिंक दी है उस पर क्लिक करना है और आराम से वीडियो देखना है। कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको रैट ट्रैप वाले पाठ के शॉर्ट आंसर को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक बात और बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हर पार्ट से 4 शॉर्ट आंसर याद करने हैं जो मैं बताऊंगा। यानी जो शॉर्ट आंसर मैं बता रहा हूं, 4 शॉर्ट आंसर हर पार्ट से, आपको केवल वही शॉर्ट आंसर याद करने हैं। और भैया भरोसा करा, विश्वास करा, 4 शॉर्ट आंसर के बाद आपको खुद फील होगा कि हमारे अंदर मतलब जब वीडियो बनाओ को बैठा तो यहाँ आ जाती, खोल वाली रजाई ले लिया भैया, डबल बेड खोल वाली ले लिया और रजाई खोल वाली, और बता तुम्हें बता दो सब जने खरीद ले, और जा यार भैया, जा जा भाई मेरे, जा जा, चला गया। स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको हर पार्ट से 4 शॉर्ट आंसर को याद करना है, और 4 शॉर्ट आंसर वही याद करने हैं जो मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात समझना, जो मैं शॉर्ट आंसर बताऊंगा वही आएगा। अब मैं कॉन्फिडेंस या वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ना, यही 4 शॉर्ट आंसर हर पार्ट से याद करो। अगर 6 पार्ट हैं तो 24 शॉर्ट आंसर होते हैं, जो कि बहुत है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, और बिलीव करो यही शॉर्ट आंसर आपके पेपर में पूछेगा, और कहीं से पूछ ही नहीं सकता। और कहाँ से पूछेगा, जो पाठ में है, जो लेसन में है, वही तो पूछेगा, और वही लिखा हुआ है, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करेंगे, हमको 8, 9, 10 शॉर्ट आंसर नहीं याद करना है। होता क्या है कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को लिखाते बहुत हैं, बहुत लिखा देंगे, 8, 9, 10 शॉर्ट आंसर लिखा देंगे, वो स्टूडेंट को याद ही नहीं होते हैं। अरे उसको पिन पॉइंट 4 या 5 शॉर्ट आंसर बता दो, वो याद कर लेगा, उसको भी समझ में आएगा कि 4 ही तो हैं, चलो याद कर लेते हैं। 10-15 लिखा दिया तो भैया कतो ना याद करीबा, ठीक है। तो शुरू करते हैं 4 के 4 शॉर्ट आंसर को तुरंत। यहाँ पे लिखा है रैट ट्रैप, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर। पहला इसका शॉर्ट आंसर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। हु माने कौन, यानी कि चूहादानी को बेचने वाला कौन था, जो चूहादानी को बेच रहा था वो कौन था। अब ध्यान समझो, द रैट ट्रैप सेलर यानी चूहादानी को बेचने वाला वाज अ वोगाबाउंड, एक घुमक्कड़ था। हु बेंट अराउंड, जो कि गया था सेलिंग बेचने के लिए, स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे छोटे चूहादानी को, ऑफ वायर, जो कि तार से बनी हुई थी। अब मीनिंग देख लेते हैं, वोगा बाउंड माने होता है घुमक्कड़, और सेलिंग माने बेचना, स्मॉल माने छोटे, रैट ट्रैप्स माने चूहेदानी, वायर माने तार। यानी कि छोटे छोटे चूहेदानी को जो कि तार से बने हुए थे उनको बेचने गया था, ठीक है, वो घुमक्कड़ था। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, हाउ डिड द वोगा बाउंड मेक रैट ट्रैप्ड। हाउ माने कैसे, वोगा बाउंड मतलब घुमक्कड़ ने, मेक मतलब बनाया, रैट ट्रैप्ड माने चूहादानी, यानी उस घुमक्कड़ ने चूहादानी को कैसे बनाया था। अब ध्यान समझते हैं, वोगा बाउंड यानी घुमक्कड़, मेक रैट ट्रैप्स, उसने चूहादानी को बनाया फ्रॉम द मटेरियल, उन छोटी छोटी चीज़ों से, ही गॉट बाई बेगिंग, जो उसे भीख मांग कर मिली थी, इन द स्टोर्स, दुकानों पर, और एट द बिग फार्म, या बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर, भीख मांग करके मिली थी, कहीं पर पड़ी रहती हैं, भैया उठा ले आता है, भैया यहीं तामीर बना खाता, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें हैं ना, दिमाग लगा के कमाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ों को निकालता था। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर, यानी रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ, इन टू द वुड्स, वुड्स माने होता है जंगल, यानी कि चूहादानी को बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ था।
तुमको स्टोरी याद होगी, जंगल में खो गरा है ना, हेरा गरा है, तो वहाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। द रैट ट्रैप सेलर, चूहादानी को बेचने वाला, गॉट लॉस्ट, खो गया, इन टू द वुड्स, जंगलों में, फाइनली अंततः, ही सॉ नो वे, उसको कोई रास्ता नहीं मिला आउट, बाहर आने का, एंड द सैंक डाउन, इसलिए सैंक डाउन, वह गिर गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी लेट गया, या सैंक डाउन मतलब गिर गया। मीनिंग देख लेते हैं, रैट ट्रैप सेलर, चूहादानी को बेचने वाला, वुड्स माने जंगल, फाइनली माने अंततः, और नो वे मतलब कोई रास्ता नहीं, ग्राउंड माने जगह या मैदान। ठीक है, आगे देखते हैं। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड, यानी कि उस आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने और उसकी पुत्री ने क्या निर्णय लिया, टू डू विद द गेस्ट, कि वो अपने मेहमान के साथ क्या करे या उस अजनबी के साथ में क्या करे। ठीक है, आपको कहानी याद होगी, उसको घर लेके आ गए थे ना, तो वही सोच रहे थे कि अब इसके साथ क्या किया जाए। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, जो आयरन मास्टर था, जो लौह व्यापारी था, एंड हिज डॉटर और उसकी पुत्री, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू वेलकम, कि वो स्वागत करेंगे द गेस्ट, उस मेहमान का, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस माने क्रिसमस, ईव माने संध्या, यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसका स्वागत करेंगे। तो ये रहे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। भाई साहब बिलीव करो, बिलीव करो, भरोसा करो, यही 4 शॉर्ट आंसर में से कोई ना कोई शॉर्ट आंसर तुम्हारे एग्जाम में आएगा। हर लेसन से 4 शॉर्ट आंसर याद करने हैं, 7, 8, 9, 10 मत याद करना, टाइम वेस्ट मत करना, 4 शॉर्ट आंसर याद करो जो बताए गए हैं यहाँ पे, और सच बता रहा हूँ इसका गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भैया सब्सक्राइब कर ले यार, सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आराम से चैनल से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए, भैया से जुड़िए, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जय।